मॉर्निंग शुरुआत करते हैं इस व्यू से जो कि यहाँ डिकिट होटल से दिख रहा है। ये है केलोंग, चारों तरफ पहाड़ पहाड़ और ग्रीनरी ऑल अराउंड। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है, आज हम जाएंगे सरचू की तरफ जो कि ज़्यादा टाइम ही लगेगा हमको, और आज वहाँ पे स्टे है हमारा। Bikes are getting warmed up. So guys, about day 8, आज हम निकलेंगे केलोंग से सरचू। Gulzar, how long is the ride? 5 hours. जर्नी होने वाली वो 5 hours की है। आज रोड बहुत सिंपल होने वाले प्लेन, क्योंकि सरचू तक कोई ज़्यादा मतलब चढ़ाई ऑफ रोड वगैरह नहीं है, लेकिन वी आर रेडी। Come on, Simon! अच्छो भाई, सभी हम हैं जिस्पा पे, और अगर आप स्नोबर्ड हिमालय एडवेंचर के साथ ट्रैवल करते हो तो रास्ते में आपको 2 बैकअप गाड़ियाँ मिलेगी। प्लस बाइक में कुछ भी दिक्कत आती है, मैकेनिक साथ रहेगा। जैसे कि इस बाइक में थोड़े गियर थोड़े हार्ड हो गए थे, प्लस हॉर्न नहीं चल रहा था, तो अभी बाइक इज़ गुड टू गो। ठीक है ठीक है, चलो। तो कुछ भी दिक्कत आती रास्ते में, नो प्रॉब्लम, हमको टो करना पड़े बेशक बाइक, तो कल हमने जैसे किया था इस ट्रक पे वैसे हम टो कर लेते हैं। तो यही है फायदा, आप आ सकते हैं स्नोबर्ड हिमालय एडवेंचर लद्दाख ओल्ड रोड। क्या व्यू भैया, अभी हम पहुंचे हैं जिंगजिंग बार पे, बहुत ही ठंड लग रही है यहाँ पे, और शुक्र है मेरे पास टोपी है। लेकिन हाँ, हमारा एक बाइक जो कल हम जो ख़राब था क्लच प्लेट, हमने आज ट्रायल के लिए फिर भी निकाल दिया कि चल पड़ेगा, लेकिन नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जिंगजिंग बार में इसको फिर से लोड करेंगे गाड़ी में, चाय पी के फिर निकल जाएंगे ऊपर। फर्स्ट टास्क, बाइक को ऊपर गाड़ी में चढ़ाओ। तो लोड हो गया बाइक, बस इसको फिर से कल की तरह सेट करके रखते हैं। एक कोलंबियन इमोशनल हो गई हमारे पहाड़ी कुत्ता देख के। Andres, you have to take that to Colombia. Some Himalayan dog. अच्छा, बहुत ही अमेजिंग है। पास में जो लेक था बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये पहुंचना है सरचू, तो हम रुकेंगे नहीं यहाँ पे क्योंकि टीम आगे ऑलरेडी निकल गई है, और ठंडा और कुछ ही आगे मोटे बर्फ हो रहा है यार। ध्यान आगे थोड़ा है ना, क्या पहाड़ है, लेकिन यार टूरिस्ट तो पैक्ड है यहाँ पे यार, है ना। पीछे भी पैक्ड थे, वहाँ पर भी टूरिस्ट बहुत है। तो ऐसी ऐसी बात है गाइस,
ये व्यू मिलता है आपको सरचू पे, बिल्कुल मजेदार। गाइस पहुंच गए सरचू, लेकिन मुझे भयंकर नींद आ रही है क्योंकि दो दिन से हम जल्दी जल्दी उठ रहे हैं। आज भी आई स्लेप्ट अराउंड 11:30 इन द नाइट एंड मॉर्निंग 6 बजे उठ गया। हाँ, हालांकि काफ़ी है स्लीपिंग आवर्स, लेकिन स्टिल व्हेन योर बॉडी इज टायर्ड नीड्स मोर रेस्ट समथिंग लाइक दैट। सो बहुत नींद आ रही है और बहुत तेज की भूख भी लग रही है, तो बस थोड़ा खाना खा के सो ही जाऊँगा। आई थिंक दैट शुड बी फॉर टुडे। ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते, सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।